दोस्तों आ गई है मध्य प्रदेश बिजली विभाग में नियमित भर्ती। नियमित भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2026-27 में युवाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है। नियमित भर्ती रिक्त पद अगर हम देखें तो 2500 प्लस रिक्त पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। महिला पुरुष के लिए खुशखबरी है, नियमित भर्ती होगी। आयु, सैलरी, फीस, चयन प्रक्रिया, संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। 10वीं 12वीं ITI डिग्री डिप्लोमाधारी सभी इसमें आवेदन कर सकेंगे। कोपा, फिल्टर, मैकेनिक, बिल्डर, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इलेक्ट्रिकल। अगर हम पद की बात करें तो इसमें लाइन अटेंडेंस का प्रोग्राम, ट्रेसर का, प्रोग्रामर का, ट्रेसर का, ANM का, अग्निशामक का, सुरक्षा सैनिक का, सहायक ग्रेड 3 का, लाइनमैन का, कनिष्ठ अभियंता का, शीघ्र लेखा का, स्टाफ नर्स का। इसका अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप MP ऑनलाइन के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की तो यहां पर हमारे सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती है तो विज्ञप्ति नियम पुस्तिका 2024-25 जो है जारी कर दी गई है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको A to Z जानकारी देंगे। नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे, आवेदन कैसे करना है वो भी बताएंगे, सभी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो का माध्यम सीधे देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की निम्नलिखित उत्तरवर्ती कंपनियों के लिए जो कि विद्युत के उत्पादन, विद्युत के वितरण, विद्युत के प्रक्षेपण एवं विद्युत के प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत हैं, विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कौन कौन सी कंपनी में निकली है तो हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इंदौर में, वो सॉरी जबलपुर में, MP पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर। इन सभी की यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इंदौर की वेबसाइट, जबलपुर की वेबसाइट, जबलपुर, जबलपुर, भोपाल और फिर से जबलपुर। अगर हम बात करें तो इन कौन कौन से पदों पर भर्ती होने वाली है और कहाँ पर कौन से होगी। ठीक, कार्यालय सहायक सैनिक प्रशिक्षक के पद पर यहाँ पर कुल 818 पद देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कंपनी का नाम है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ओबी महिला के कितने पद हैं, ओपन कितने पद हैं, ST SC OBC जनरल और दिव्यांगजन के कितने पद, यहाँ पर आपको टोटल जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने की मिल जाएगी। महिला पुरुष, ओपन कितने पद हैं, ST SC OBC और दिव्यांगजन के कितने पद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर को आप देख सकते हैं, भोपाल का देख सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंटोल, सभी की जानकारी देख सकते हैं कि निरंजक, भूतपूर्व सैनी, संविदा पर कार्यरत, दिव्यांगजन के कुल यहाँ पर कितने पद देखने को मिल जाएंगे पूरी कंपनी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल योग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल 2500 प्लस यहाँ पर हो रहे हैं। लाइन परिचारक, वितरण प्रशिक्षक कुल पद 1196 यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पूरे A to Z पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम थोड़ा ऑल स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर हमें हर हर पद के लिए अलग अलग जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो प्राविधानिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है ये जानकारी देख सकते हैं, मुख्य भाग। उसके बाद अगर हम थोड़ा ऑल स्क्रॉल डाउन करें पद देखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सयंत्र सहायक संवर्ग हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की उपरोक्त विद्युत वितरण कंपनी किसी भी समय किसी भी संवर्ग पद के विज्ञप्ति पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने एवं घटाने का, पूर्ण पदों को भरने अथवा आंशिक रूप से पदों को भरने या न भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की उपरोक्त विद्युत वितरण कंपनियां किसी भी समय आंशिक रूप से भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। इसी कंपनी है तो कोई भी कारण दिए जाने का बाध्य नहीं है। अगर हम बात करें तो अन्य पिछड़ वर्ग OBC के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं को लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं 29/9/2022 क्रमांक के अनुसार 13% पदों का परिणाम उपरोक्त याचिका के संबंध में होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीधी भर्ती है तो विस्तृत सभी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय सहायक के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगी। तो कार्यालय सहायक के लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता हम देखें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास के बाद आपका UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद ITI द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना में आपके साथ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए।
एनसीवीटी नई दिल्ली या एससीवीटी मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। यह पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देख सकते हैं। उसके बाद लाइन लाइन परिचारक का अगर आप देखें तो उसमें आपको यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन उसके देख सकते हैं। लाइन परिचारक के बाद आपको सुरक्षा उप निरीक्षक का अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो पूरी क्वालिफिकेशन देखना चाहिए। अगर हम आपको एक एक चीज बताएंगे तो यहाँ पर वीटा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप खुद से देख सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल प्रशिक्षु की अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु की बात करें तो यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एंड बात करें कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक प्रशिक्षक की, उसकी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एंड बात करें कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक वितरण की, यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप टोटल पदों की यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद कल्याण सहायक प्रशिक्षा की आप यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, सिविल परिचारक की शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। टोटल 27 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इनके अंदर 2500+ पद जो है वो खाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आयु सीमा की, तो दोस्तों आपकी आयु सीमा की गणना कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा निम्न अनुसार रहेगी। सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा आपकी 33 वर्ष रहेगी। आवेदक श्रेणी पुरुष अनारक्षित वर्ग में आपको 40 वर्ष आयु सीमा अधिकतम रहेगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला आरक्षित के लिए 45 वर्ष रहेगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला ST SC के लिए आपको 45 वर्ष रहेगी और शासकीय निगम मंडल संस्था एवं होमगार्ड कर्मचारी के लिए 45 वर्ष रहेगी। आयु सीमा का उपरोक्त प्रावधान मध्य प्रदेश शासन विभाग परिपत्र क्रमांक द्वारा लागू किया गया है। और ST SC के संबंध में आयु सीमा में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी गैर क्रीमी लेयर को भी उम्मीदवार में छूट दी जाएगी। अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतम आयु सीमा आपकी जो है वो 55 वर्ष तक देखी गई है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के ज्ञापन ग्राउंड 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर उच्च न्यायालय जबलपुर की प्रधान सीट के आदेश क्रमांक के अनुपालन में EW श्रेणी के उम्मीदवार को अनारक्षित सूची में याचिका के अनुसार छूट जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर पूरी छूट की जानकारी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे बात करें तो आरक्षण की, सभी आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी ST SC नॉन क्रीमी लेयर EW में आवेदक हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रोटेस्ट के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लंबित याचिकाओं के समय समय पर माननीय न्यायालयों के द्वारा अधीन होंगे। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन को 40% आरक्षण दिया जाएगा। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में उक्त आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन आवेदन से ही प्राप्त किए जाएंगे। ये देखिए मध्य प्रदेश के टोटल यहाँ पर जिले देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य पूर्ववर्ती मध्य राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में संविदा आधार पर काम करने वाले कुल कर्मचारी को 50% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सांख्य की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न का एक अंक बहुविकल्पीय होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ 25% होंगे। जो संवर्ग के एक पद से ज्यादा कंपनियों में उपलब्ध है उन पदों हेतु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय विभिन्न कंपनियों में क्रमानुसार विकल्प चुनना दर्ज करना होगा। उम्मीदवार के चयन होने पर क्रमानुसार दर्ज किए गए विकल्प अनुसार कंपनी में पद की उपलब्धता एवं मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को कंपनी में आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन परिचारक पद के हेतु आवेदक जिन्होंने मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में मीटर वाचक योजना अंतर्गत अनुबंध के आधार पर मीटर वाचक के रूप में काम से कम से कम 3 वर्ष कार्य किया हो, कार्य का अनुभव उन्हें 10% अधिकतम वो है जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइन परिचारक की दक्षता, इन सभी के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सुरक्षा, आपको सैनिक में अगर भर्ती करना चाहते हो तो उसकी ऊंचाई सीमा यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें परीक्षा कहाँ कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा सत्र के विकल्पों में से आसानी इच्छा अनुसार चयन आपको चयन करना पड़ेगा। परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा।
यहाँ पर आवंटित शहर में परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी गई ई प्रवेश के माध्यम से जानकारी होगी। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को 1200 रुपये और ST SC के लिए 600 रुपये। अनुसूचित जनजाति ST अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर OBC दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर के रहेंगे 600 रुपये। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आप आवेदन एक बार कर देते हैं तो आपका जो है शुल्क वो किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा। अब आवेदन किस प्रकार से करना है वो देख लेते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर कर सकते हैं। पहली वेबसाइट www.mponline.gov.in पर तथा दूसरी वेबसाइट है www.iformmponline.in पर स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर मान्य नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हैं तो विस्तृत निर्देश एवं जानकारी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर आपको दी जाएगी www.mponline.in और www.aiform.mponline.in पर आज जानकारी पूरी दी जाएगी। आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आवेदन करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना होगा: 10वीं की मार्कशीट, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो, निर्धारित प्रारूप में विभागीय संविदा कर्मी अगर आपके पास जो है वो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो कर देना है, आवेदक के हस्ताक्षर कर देना है, नवीन फोटो अपलोड करने, आयु सीमा छूट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज। ऑनलाइन आवेदन भरते समय हेतु सहायता के लिए आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उपरोक्त तिथियां कंपनी की आवश्यकता तथा उपरोक्त कारणों से परिवर्तित की जा सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं www.mponline.in और iform.on पर देख सकते हैं। पात्रता के संबंध में सामान्य शर्त यहाँ पर देख सकते हैं, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर आपको विभागीय संविदा नियमित कर्मचारी के संबंध में गणना यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर टोटल आपको जो है वो 53 पेज की जो PDF देखने को मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो आपको जो है वो पद के अनुसार अलग अलग वेतनमान में सैलरी दी जाएगी। बांड राशि भी आपको दी जाएगी। कार्यालय सहायक है तो आपको 19,500 से लेकर 62,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, जो लेवल 4 की के अनुसार दिया जाएगा। लाइन परिचारक को 19,000 से 62,000, कनिष्ठ अभियंता को 32,000 से 1,00,000 रुपये तक, कनिष्ठ अभियंता को 32,000 से 1,36,000 रुपये तक। यहाँ पर पूरी सैलरी का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। कनिष्ठ शीघ्री लेखा को 25,300 से 80,500, ANM को 19,500 से 62,000, ट्रेजरी को 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक, स्टाफ नर्स को 22,100 से लेकर 70,000 रुपये तक, और यहाँ पर रेडियोग्राफर की अगर हम बात करें तो उसको मिलेगी 25,300 से 80,000 रुपये तक, और यहाँ पर सिविल परिचारक को 19,500 से 62,000 रुपये तक दी जाएगी। आचरण नियम अनुसार के साथ की जाएगी। यदि कोई प्रशिक्षक प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी कदाचार, गैरकानूनी धोखाधड़ी और अनुशासनहीन गतिविधि प्राप्त करता है तो उसे प्रशिक्षिका अधिरोपित की जाने वाली समस्त जानकारी ली जाएगी। यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको नई पेंशन की योजना की पात्रता भी आपको रहेगी। यहाँ पर आपके संदर्भ आपको पेंशन भी मिलेगी रिटायर होने के बाद, उसके बाद पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से आवेदन करिएगा। PDF आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विभिन्न कंपनियों में ये भर्ती निकली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 ऐसी कंपनियां मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जिनमें भर्ती निकली है। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी अपडेट पाने के लिए जरूर ज्वाइन हुई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।